अरे आप आ गए? आए हुए तो एक घंटा हो गया, लेकिन मैं समझा कि तुम पूरी शादी करवा कर ही आओगी। एक तो तुम्हारे पैर में तकलीफ बढ़ती जा रही है, सूजन देखा है कितनी हो गई है, इसीलिए बच्चे को भेजा था। अरे मेहमान ही इतने आए हुए हैं, हल्ला गुल्ला में टाइम का पता ही नहीं लगा। इसी तरह रोजाना बनी ठनी रहो तो अपना दिल भी खुश हो जाए। अच्छा बस रहने दें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, मैंने भी दोपहर से चाय नहीं पी है। अच्छा वो नूरबानो कहाँ है? यही तो थी, आप जब आए तो घर में नहीं थी क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था, मैं समझा कि तुम्हारे साथ होगी। थी तो मेरे साथ ही, पर काफी देर से मुझे नजर नहीं आई। अच्छा अच्छा तुम ऐसा करो कि कपड़े चेंज करो, मैं फिदा हुसैन के घर देख के आता हूँ। अरे फिदा। अरे सगीर भाई, वो नूरबाने को देखा कहीं? हम तो खुद अभी आए, क्यों खैरियत? काफी देर से नजर नहीं आ रही। भाई बाजी के साथ ना रुखसाना बाजी की बेटी की शादी में गई होगी, आप परेशान नहीं हो, कहाँ जाएगी? आ जाएगी। अरे राजदा तो अभी खुद वापस आई है, उसके साथ नहीं है। अरे बच्चों के साथ किसी घर पे होगी, और कहाँ जाएगी? अरे दिन से रात हो गई, सारे बच्चे मोहल्ले के अपने घर पे। अच्छा आप घबराए नहीं, कुलसुम तुम एक काम करो, बाजू को लेके खाला के घर जाओ। सगीर भाई हम ढूंढते हैं। अरे चुप कर जा, चुप कर जा, मिल जाएगी। अरे ऐसे तो चुप कराओ। क्या हुआ? सगीर भाई मस्जिद में ऐलान भी कराया है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। मुझसे कोई गलती हो गई थी, इसकी सजा मुझे दे दे। सगीर भाई करीब कस्बे में एक आमिला रहती है, अब वो और उसका शौहर दम दुरूद करते हैं, अब सुना है काफ़ी पहुँचे हुए हैं, अब मैं तो कहता हूँ वहीं चलते हैं। भाई पहले पुलिस को इत्तला कर देते हैं मेरा ख्याल। तो पुलिस कौन सा आज ही ढूंढने निकल जाएगी? अरे मैं तो कहता हूँ वहीं चलते हैं, अब उस यकीनन कोई ना कोई हिसाब निकाल लेगी, अगर ना निकल पाई तो पुलिस के पास भी चलेंगे। हाँ सुना तो मैंने भी है, पहले वहाँ चलते हैं फिर पुलिस वालों के पास। अरे जहाँ मर्जी आए ले चलो, अरे मेरी बेटी को कोई ढूंढ ले, कोई नूरबानो को ढूंढ कर ले आए। बाजी ये लो थोड़ा पानी पी लो ना। चले तो फिर चलते भाई। चलो अरे मुझे भी ले चलो, अरे मैं बीवी की मिन्नत कर लूंगी, पैर पकड़ लूंगी, मेरी बच्ची कहीं से ला दो मुझे। बाजी वो काफी दूर है, आप कहाँ जाएंगे? अरे तुम लोग यहीं रुको, हो सकता है नूरबानो घर आ जाए, हम लोग अभी आते हैं, चल। अरे देखो मेरी बानो को लेकर आना, उसके बगैर नहीं आना। अरे हिम्मत कर, हिम्मत कर, अल्लाह से दुआ कर, हम अभी आते हैं, तुम लोग ख्याल रखो इसका, चल। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अंदर हैं? हाँ हाँ बाजी है, मिलो मिलो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
बीबी जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आए हो फिदा मोहम्मद? भाजी आपसे क्या पर्दा? हाँ, जरूरतमंद की हाजत सुनना चाहती हूँ। बीबी जी, कल से मेरी 8 साल बच्ची नूर बानो लापता है। हम बस इतना ही सुनना चाहती थी, बाकी सब ऊपर वाला जानता है। बच्ची बहुत प्यारी है, हमला बहुत भारी है, लेकिन सबका टालेगा। बच्ची मिल जाएगी, एक बकरा चाहिए। बीबी जी, मैं गरीब आदमी हूँ, बकरा कहाँ से लाऊंगा? बाजी, ये मेरी भांजी का सवाल है। ठीक है फिदा मोहम्मद, तुम हमारे भाई हो, तुम जो कह दोगे हम कबूल कर लेंगे। बाजी, ये 2000 रुपए हैं। इस तकिया के नीचे रख दे। जिंदगी देने वाला और लेने वाला ऊपर बैठा है। जाओ अपने घर जाके बैठो, मिल जाएगी बच्ची, जाओ। बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीबी जी, कल तक नूर बानो मिल जाएगी ना? कल तक। सगीर भाई, आप यहाँ पे रुको, मैं बाजी के पास जाता हूँ और दोबारा से मिन्नत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नूर आज इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप यहाँ बैठो। साहब, मैंने हेड मोर साहब को दरख्वास्त लिखवा दी है, प्लीज साहब मेरी बच्ची का कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने दरख्वास्त तो दे दी है ना, अब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बच्ची को ढूंढ लें। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में कुछ खबर हो तो हमें ज़रूर बताना। अब बेफिक्र होकर जाओ। जी साहब, बड़ी मेहरबानी। मार्च 2014, सगीर हुसैन नामी शख्स ने मकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 8 साल बेटी नूर बानू अचानक गायब हो गई है। नूर बानू के वालिद सगीर हुसैन और मामू फिदा मोहम्मद ने बच्ची को हर जगह तलाश किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अच्छा, याद करके बताओ जिस दिन नूर बानू गायब हुई है। हाँ साहब, वो उस दिन लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना करो और मुझे रिपोर्ट करो थाने में आके। फिर दूसरे दिन नूर बानू तो मिल गई, लेकिन सफाक कातिलों ने नूर बानू को ज़िबाह करके करीबी झाड़ियों में फेंक दिया था। घर वालों पर कयामत गुजर गई। आहों और सिसकियों के दरमियान बच्ची को सुपर्दे खाक कर दिया गया। ये एक होलनाक और सफाकाना कत्ल था जिसका कातिल नामालूम था। पुलिस मुतहरिक हो गई और घर वालों और अहले मोहल्ला से तहकीकात का आगाज कर दिया। इधर आ भाई।
आजा। जी सर। नूर बानो जिसके साथ ये हादसा पेश आया, उन लोगों को जानते हो तुम? जी साहब, वो हमारे पुराने मोहल्लेदार हैं। उस बच्ची का जिस दिन कत्ल हुआ, मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी। मैंने उस दिन दुकान ही नहीं खोली। क्या जुल्म हुए साहब उस बच्ची पे। सौदा वगैरह भी तुम्हारी दुकान से ही जाता होगा। सब मोहल्ले की दुकानदारी है, सब बच्चे यहीं से ले जाते हैं चीज़। अच्छा, याद करके बताओ, जिस दिन नूर बानो गायब हुई है। हाँ साहब, उस दिन रुखसाना बाजी की बेटी की शादी थी। तुमने देखा था उस दिन उसे अकेले या किसी के साथ? हाँ साहब, वो उस दिन आप हौसला करें। बस जी, अब तो एक ही ख्वाहिश रह गई कि कातिल को अपने सामने कुत्ते की मौत मरते देखूं। वो कोई भी हो, इंशाल्लाह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। अरे उस मासूम की किसी से क्या दुश्मनी थी। बाजी सब्र रख, जो अल्लाह की मर्जी थी वो तो हुआ। अल्लाह से दरख्वास्त है कि जालिमों को हिदायत दे। आप दोनों भाई हैं? जी, ये मेरी बीवी का बेजात भाई है। अरे ये बेचारा तो उस दिन से काम पे नहीं गया, मेरी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। आप लोग इकट्ठे रहते? वो जी इकट्ठे के इकट्ठे, अलग के अलग। ये सामने वाली गली में रहता है। इसका मतलब है आपस में काफ़ी मोहब्बत है। बस जी, लड़ झगड़ के क्या करना, जो वक्त हंसी खुशी गुजर जाए यही बहुत है। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन आप घर पर ही थे? नहीं साहब। जिस वक्त बच्ची गायब हुई उस वक्त कहाँ थे आप? साहब जी, मेरी बेगम की अजीज की एक शादी थी, हम लोग वहाँ गए थे। साहब जी, आपके लिए चाय लेके आऊँ? इतनी जल्दी भी क्या है, आपके घर चलते हैं, वहीं चाय पी लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अम्मा और तुम यहाँ बैठो, हम लोग साहब जी के लिए चाय बनाते। चलो बेगम, साहब जी के लिए चाय बनाते। चल 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 चल, साहब जी आइए, आप आइए साहब। चलो ठीक है, आइए साहब, आए साहब, आए आ जाए साहब, आइए साहब बैठे, आइए। इस कमरे में क्या है? साहब जी, स्टोर है, बंद पड़ा हुआ है, काट कबाड़ है। स्टोर है? जी जी, स्टोर है। ठीक है। अब साहब जी, वो बंद है ना, इसलिए बदबू है। कितने अरसे से बंद है साहब? ये तो हफ्तों से बंद पड़ा है, कभी कभार ही खुलता है। अरे कुलसुम, और तू खड़ी क्यों है? अरे जाना, साहब लोगों के लिए चाय बना, आई साहब बैठिए ना साहब। रुक जाओ, चाय फिर पी लेंगे। बच्चे कितने तुम्हारे? अब साहब जी, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर ये पापड़ कौन खाता है? वो साहब जी, वो नूर बानो आती थी हमारे घर, हमारे बच्चों जैसी तो थी, वो खाती थी कभी कभार। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों साहब? ऐसे ही कुछ मालूमात करेंगे फिर छोड़ देंगे। चलिए, चलो चलो यार। जिस वक्त नूर बानो गायब हुई तुम लोग कहाँ थे? जी साहब। साहब जी, हम लोग उस शाम को गए हुए थे। तुम्हारे तो मोहल्ले की शादी थी ना, तू नहीं गई थी वहाँ?
हाँ गई थी, लेकिन हमको जाना था इसलिए जल्दी वापस आ गई थी। चुप होकर बैठ जा तू, अब बीच में बोला तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। बीबी, बच्ची उस दिन गायब होने से पहले तुम्हारे घर आई है, अब सच बोलेगी तो बचेगी, नहीं बोलेगी तो तुम दोनों मियां बीवी को फांसी पर चढ़वा दूंगा मैं। मैंने तो नूरबानो का कत्ल नहीं किया साहब, इसको सच बोलेगी तो शायद तू बच जाए। बच्ची को कत्ल तुम दोनों ने किया है या तुम्हें मालूम है कि किसी और ने किया है? बोल। अस्मत बाजी ने इसको बोला था। अस्मत बाजी, ये हमारी शादी से पहले ना ये उसे तावीज लेकर आए थे, तो फिर हमारी शादी हो गई थी। ये अस्मत बाजी वही है ना जिसके पास तू सगीर को भी लेकर गया था? साहब जी, ये आप हमसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो मेरी भांजी थी और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। तुझ पे शक इसलिए किया जा रहा है कि तू पहले सगीर को पुलिस स्टेशन लाने के बजाय जाली आमलों के पास लेके गया। अगर तुम पहले दिन थाने आ जाते तो शायद नूरबानो बच जाती। साहब, वो जाली आमला नहीं है। तू कैसे जानता है अस्मत बाजी को? साहब, कुछ अरसे कबल मैं बाजी से अपनी शादी के लिए तावीज लाया था और बाजी ने कहा था कि तुम्हारी शादी 120 दिनों में हो जाएगी, और वाकई हमारी शादी 119 दिनों में हो गई। ओ अच्छा, तो इतनी सच्ची है अस्मत बाजी, तो तू नहीं बताएगा कि नूरबानो को किसने कत्ल किया है? सर, खुदा की कसम सर। मत खा झूठी कसम। आंखें खोलकर देखो तो हमारे आसपास सब कुछ मौजूद है। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। जिस तरह तेरी शादी में रुकावट थी, उसी तरह तेरी औलाद में बंदिश है। खुदा की कसम सर। मत खा झूठी कसम। तू क्या समझता है हम बेवकूफ हैं? तुझे ऐसे ही पकड़ कर लाए। वो दुकानदार गवाह है जिसके पास से तू शाम 5 बजे नूरबानो को चीजें दिला कर लाया। देख, ये देख, ये देख वो रैपर जो हर चीज बता चुका है हम लोगों को। लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो इंस्पेक्टर साहब, शादी तो हो गई थी लेकिन 2 साल गुजर गए, हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़े होते थे। तुम शराफत से ना अपनी माँ को समझा लो, नहीं तो मैंने ना टाइम से पहले इसका पार्सल कर देना है। अब क्या कह दिया अम्मा ने? कहना क्या है, वही रोजाना बेऔलादी के ताने। क्या लेने दे, उसकी तो आदत है, तू बस एक कान से सुना कर और दूसरे कान से निकाल दिया कर। मैं तो सुनी अनसुनी कर दूं, लेकिन रोजाना जिन लोगों के सामने वो राग अलापती है ना, वो तो मोहल्ले में जाके गाती है बे औलाद है, बांझ है, पता नहीं तुम्हें क्या घोल के पिला दिया है, और लो तुम्हारी तो अब कभी नस्ल ही आगे नहीं बढ़ेगी। देख, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है। अच्छा तू बता, अब मैं क्या करूँ? ये बात तो जाके ना उस बुढ़िया को बोलो। अच्छा समझा दूं, आ तू इधर आ। देख, उसके दिल में भी अरमान है कि वो हमारे बच्चों के साथ खेले, इसलिए बोल देती है। बच्चों के अरमान नहीं है, तुम्हारा घर उजाड़ने का अरमान है। देखो, या तो तुम इनका बंदोबस्त कर लो या फिर मुझे रख लो। तू मान ना मानिए, तेरी सौतेली माँ है ना, जब भी तो इसके अंदर की जलन निकल के बाहर आती है। देख, ऐसी बातें ना कर, क्या मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हों? इतनी ख्वाहिश है तो कोई हाथ पल्ला मारना, जिस तरह ये मेरी बेइज्जती करती है ना, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। अल्लाह की बंदी, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है। शादी से पहले तो बड़ा आलिमों के पास घूमा फिरता था, औलाद के लिए नहीं जाया जाता। हाँ याद आया, मैं काम करता हूँ, मैं अस्मत बाजी के पास जाता हूँ, वो यकीनन कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। तू ही कहता है, बड़ी तो आकत है अस्मत बाजी की तावीज में। हाँ अब देखना, तेरी जैसी बीवी मिल गई, इससे बड़ी क्या खुशी होगी। मैं कल ही जाता हूँ उसके पास। मैं भी चलूंगी। एक शर्त पे। क्या? पहले थोड़ा मुस्कुरा। अल्लाह। बाजी से मिलना है। अभी आप लोग तशरीफ रखें, मैं भिजवाता हूँ। हक अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह, बस थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। चल जा, तू जा यहाँ से। जाएं आप लोग, जाएं अंदर मिले। अल्लाह हक 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तेरी तो शादी हो गई थी, अब क्यों आया है? वो इसको कुलसुम को लेके आया हूँ। इसका भी कोई काम रुका हुआ है क्या? जी वो हमारी शादी को 2 साल हो गए और तेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। बाजी आपको तो सब पता है, आपको क्या बताना। लोगों के यहाँ 10-10 साल औलाद नहीं होती और किसी के तो होती ही नहीं। उसकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी। मगर बाजी औलाद ना होने की वजह से हम दोनों में झगड़े शुरू हो गए। और तू इतनी खूबसूरत बीवी को खोना नहीं चाहता। देखती हूँ। जिस तरह तेरी शादी में रुकावट थी उसी तरह तेरी औलाद में बंदिश है। बाजी कुछ करें, हमारा घर बर्बाद होने से बचा ले। औलाद तो तेरे यहाँ हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम औलाद के लिए सब कुछ करेंगे बाजी। तो सुनो, गोश्तखोर जानवरों को देखा है? अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवर की जान ले लेता है। मैं समझा नहीं। इंसान भी गोश्तखोर है और तू भी इंसान है। पेट भर अपना, बस अपना पेट भर। बाजी हम कुछ समझे नहीं। अल्लाह हक हक अल्लाह 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 हक। भाई मुझे बाजी से मिलने हैं, बहुत ज़रूरी काम है। दीदी तशरीफ रखें, मैं अभी भिजवाता हूँ, अंदर कोई है। भाई मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, जाना ना। बीबी अभी कोई है, तशरीफ रखें, मैं अभी भिजवाता हूँ। भाई जाने दें। हक अल्लाह हक हक अल्लाह हक 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 अल्लाह। तुम दोनों को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? इस काम के लिए एक बच्चे की गर्दन का खून चाहिए। खून? बच्चे की गर्दन का खून? हाँ, बहुत जरूरी है। तावीज लिखूंगी उससे और हाँ, हदिया 10,000 रुपए लूंगी। बोल, औलाद चाहिए? रकम का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, मगर ये बच्चे की गर्दन का खून ये मुश्किल काम है। करना तू चाहता है लेकिन तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और तेरी हिम्मत हम पैदा करेंगे। ये ले, इसको अपने बटुए में रखना 15 दिन तक, और उसके बाद जमीन में दफना देना। तेरे अंदर खुद ब खुद हिम्मत पैदा हो जाएगी। चल जा, तू भी जा। ये एक ह्यूमन नेचर होती है कि अगर एक दफा कहीं से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी दफा भी हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम उस वक्त ये नहीं देख रहे होते कि वो वाकई क्या एक ऐसी रेलेवेंट जगह है जहां पर हमें जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि एट टाइम्स कहते हैं कि बहुत सी दफा मौजे भी हो जाते हैं। मुल्ज़िम के मुताबिक जब उसने बताया कि उसमें हिम्मत नहीं ये काम करने की, तो असमत बीबी ने उसे तावीज दिया जिससे उसका दिमाग सुन हो गया। और फिर एक दिन। क्या बात है,
परेशान लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी। काम तो मुश्किल है लेकिन इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। और बाजी ने गलत नहीं कहा था, शेर अगर बकरी को ना खाए तो भूखा मर जाएगा। लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे? तुझे बाजी पे भरोसा नहीं है? मुझे मालूम है बाजी गलत नहीं है। तो बस फिर उनका दिया हुआ तावीज तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा करेगा। मैं भी तो तेरे साथ हूँ ना, तू जानता है मुझे औलाद चाहिए, नहीं तो फिर हम साथ नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा मैं सोचता हूँ, और वैसे भी बाजी ने कौन सा फौरन करने को कहा है? मुझे तो जल्दी है ना। हाँ हाँ ठीक है, और इस काम के लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं तेरी बात समझा नहीं। आंखें खोलकर देखो तो हमारे आसपास सब कुछ मौजूद है। क्या मतलब? मैं समझाती हूँ। यूजुअली हमारी सोसाइटी को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है, लेकिन अगर घर के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर फीमेल ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं, क्योंकि उनको बहुत से ऐसे तरीके आते हैं जिसके ज़रिए से वो मेल्स को बहुत ही ईजिली अपने कब्ज़े में कर लेती हैं या उनका माइंड बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर लेती हैं। अच्छा जी बता, तेरा अब्बा जा रहे शादी में? हाँ जाएंगे। तू कम कर, तू उसको जाके बाथरूम में लगा, मैं कुछ करता हूँ। जा हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और एक ट्रेंड है कि आलमा पर या आलम पर बिलीव किया जाता है आंखें बंद कर कर, और स्पेशली एक ऐसी क्लास है जो कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हैं, और वो उन्हें ये लगता है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हीं के पास है और उनके ऊपर आँखें बंद करके बिलीव कर रहे होते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो उनका बिलीव है वो वाकई पूरा होता है, इस वजह से उनका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। वालेकुम सलाम। और वो चटपट भी दे देख। इंसान भी गोश्त खोर है और तू भी इंसान है, पेट भर अपना बस। कैसे दे दो बेटा? मामू मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा बेटा। बेटा अम्मी के साथ रुखसाना खाले की नहीं गई? नहीं मामू, वो दुल्हन की पैकिंग कर रही थी, मैं चीज लेने के लिए आ गई। बेटा अम्मी को पता है कि तुम चीज लेने आई हो? नहीं मामू, वो तो आंटी से बातें कर रही थी तो मैं इसलिए चीज लेने पर आ गई। हाँ अब तुम्हारी मामानी ने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चीज बनाई है, चलो मेरे साथ चलो। ठीक है मामू। अच्छा अरे कुलसोन। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। अरे इसे कौन लेके आया? अरे मैं लाया हूँ। वाह भाई आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। जी मामी, वो मम्मी ने अभी से तैयार कर दिया था, कह रही थी कि शादी वाले घर में काम बहुत होगा। अरे कुलसोन इसके लिए वो खीर लेके आया ना। अच्छा हाँ हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। फिर ना एक काम करेंगे, मैं भी तैयार हो जाऊंगी, एक साथ चलेंगे, सही है? मामी इज़ा जल्दी कर लीगा, रात होने वाली। स्कूल चल रहा है अच्छा सा? मामा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जी बता, तेरा अब्बा जा रहे शादी में? हाँ जाएंगे। वैसे एक बात बताऊँ, तेरी मामी ठीक कह रही थी, तेरा सूट वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मामी। अरे हाँ तू बैठ, मैं देखता हूँ कि तेरे लिए खीर हुई कि नहीं हुई। अरे कौन सी खीर, कहाँ से लाऊं खीर? अरे खीर इधर कहीं पहाड़ में, और तू ये बता मैंने जो तुझे बेहोशी की दवा दी थी वो कहाँ है? वो हाँ हाँ तू काम कर, तू उसको जाके बातों में लगा, मैं कुछ करता हूँ। जा, कोई आ तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं होगा, तू जा। और बच्चे
तुम्हारी मम्मी तैयार हो गई? नहीं, वो वहीं पर ही तैयार होंगी। किस कलर का सूट निकाला तुम्हारी मम्मी ने? वो ब्राउन वाला। अच्छा, वो ब्राउन वाला। और बताओ, तुम्हारी मम्मी ने मेहंदी लगाई? जी, उन्होंने लगाई है। अरे, तुमने क्यों नहीं लगाई? वो बस नहीं लगाई तो तुम मेरे पास आ जाती ना, मैं लगा देती। पागल। और बताओ। अरे तू उसके लिए खीर लेके नहीं आई? खीर? वो गरम खीर कैसे खाएगी? मेरा बच्चा तो ठंडी खीर खाएगा ना। अरे बेटा, ये तुम्हारे कपड़ों में क्या कर गया? अब क्या करें? तू एक काम कर, तू जाके छुरी छुरी लेके आ। छुरी? नहीं, छुरी नहीं, वो खून खून हो जाएगा सारा। क्या करें, क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, इसको ना शोरूम में लेके चलते हैं। सही है? उठा उठा इसको। जब कुलसूम को एक रास्ता नज़र आया अपना मफाद पूरा करने का, तो उसने उस वक्त ये नहीं सोचा कि वो किसी का घर ख़राब करने जा रही है या वो उस बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए जा रही है। उस टाइम पे उसका सिर्फ अपना मफाद उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता। उसके अंदर ना ही कोई गिल्ट था और ना ही कोई शेम। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद हासिल करना था और अपने आप को, सोसाइटी को और अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाना था और अपनी एक्सेप्टेंस हासिल करनी थी। अपनी औलाद के बारे में सोचो तुम। मैंने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। रील कमीने कुत्ते, वैसी तेरे को शर्म नहीं आई मासूम बच्ची को मारते हुए? तेरे को भी ऐसे दबा करूंगा जिस तरह तूने बच्ची को दबा किया था, समझे? तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? मैं तो कहता हूं इस जैसे दरिंदे का ना खून बोतल में डाल के दुनिया को दिखाना चाहिए ताकि दुनिया को इबरत आ सके। ये गैरत, ये तो बता कि तूने उस खून का किया क्या? साहब जी, जब मैं सगीर के साथ बाजी के पास गया। सगीर भाई, आप यहाँ पे रुको, मैं बाजी के पास जाता हूँ और दोबारा से मिन्नत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि नूर आज इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। असमत बीबी भी इसी तरह के एक ऐसे काम में मुलव्वस थी जो कि टोटली हमारे लॉ को ब्रेक करता है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती थी, वहाँ पे उसको पैसे मिलते थे और पैसे लेने के लिए वो ये नहीं सोचती थी कि मैं काम अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि वो लोगों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही है अपना फ़ायदा हासिल करने के। बाजी, आपका हुक्म था, अब तो मेरा काम पूरा हो जाएगा ना। तू तो धुन का बड़ा पक्का है, कहीं चराग बुझता है तो कहीं रोशन भी होता है। किसी की फना में किसी की बका है, कहीं आंसू बरसात की तरह बरसते हैं और कहीं लोग बूंद बूंद को तरसते हैं। किसी शाख पे फूल नहीं खिलता और कहीं दरख्त फलों के बोझ से झुक जाते हैं। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की। जा, और अब उसे यहां लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूं। जा, जा।
फिदा मोहम्मद की निशानदही पर पुलिस ने असमत बीबी के घर पर छापा मारा और इसके शौहर इसरार शाह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकजी मुलजिमा असमत बीबी फरार हो गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया है। सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी मगर किस खुदा की बात करें।